चैनल एंजल गैबल टैरेट। स्टूडियो हम इस वीडियो पर विराट कोहली, बहुत सारे फैंस उनके जानना चाहते हैं, बहुत सारे उनके उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं केवल एक जनरल क्वेश्चन, एक जनरल प्रिडिक्शन कि उनका फ्यूचर एक्चुअली में क्या दिखा रहा है, फ्यूचर में उनके साथ क्या क्या होना उनके साथ होगा और क्या क्या प्रिकॉशन को लेना चाहिए, सब मैं इस सेशन के थ्रू देखना चाहूँगी कि क्या मैसेज है एंजल्स के लिए। वैसे तो वो बहुत अच्छे, एक खुद भी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, उनका नेचर बिहेवियर काफ़ी अच्छा है और उनको अपनी वाइफ से भी काफ़ी सपोर्ट है। ये मैंने प्रिडिक्शन में पिछले वाले अगर आप देखेंगे तो उनकी वाइफ का काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट दिखा रहा था और उनको इस वक्त अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो बस मैं केवल एक जनरल क्वेश्चन ले रही हूँ कि उनको एक्चुअली में फ्यूचर उनके क्या शो कर रहा है और जो मैसेजेस जो उसमें दिखा रहा था उसके अलावा। तो मैं ये देखना चाहूँगी मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि विराट कोहली का क्या बहुत ही अच्छा एक फ्यूचर है आगे जाकर के इनकी लाइफ में। मैं ऐसे मैसेजेस देखना चाहूँगी कि उनके आगे का विराट कोहली बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे इंडियन क्रिकेटर। फ्यूचर का मैं अगर देखना चाहूँ तो इसमें क्या शो कर रहे हैं, एक मैसेजेस मैं एंजल से ज़रूर लेना चाहूँगी कि क्या मैसेजेस हैं। इसमें मैं अगर बात करूँ तो इसमें विराट कोहली जी का यहाँ पे अगेन जो उनकी वाइफ हैं, उनको अपनी वाइफ से मद यहाँ पे दिखा रहा है कि मदर का जैसे एक एक जो उनकी वाइफ हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है, एक मदरली केयर, लव और अफेक्शन जो वाइफ से जो उनको मिलना चाहिए वो एक्चुअली इनको मिल रहा है और ये इनकी एक बहुत बड़ी एक ताकत है, ये इनको मान के चलना चाहिए। लेकिन इसमें ये भी दिखा रहा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आएंगी, थोड़ा सा बर्डन उनके ऊपर, बोझ उनके ऊपर थोड़ा सा पड़ेगा, काम को लेके हो सकता है या अपने घर से रिलेटेड हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको निभानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो इनकी लेडी है, जो इनकी फीमेल है अपनी, इनकी वाइफ है, वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू वो जानती हैं कि किस तरीके से अपने हस्बैंड को इस मुसीबत से या किसी भी तरह के बर्डन से निकालना है। ये एक बहुत अच्छा यहाँ दिखा रहा है कि इनको अपनी लेडी से, अपनी फीमेल से, क्योंकि 3 कार्ड फीमेल के ही हैं और एक मैरिड वुमेन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, दैट मीन्स कि इनकी अपनी वाइफ से मदरली केयर, मदर अफेक्शन बहुत अच्छे से मिल रहा है, नो डाउट। पिछले उसमें भी अगर आप देखेंगे निकला था ये वाला, ये यही मैसेजेस थे लगभग। तो इसमें मैं और लेकिन आगे जानना चाहूँगी कि देखिए इनको थोड़ा सा इनको बचना चाहिए, कुछ ट्रिकिश चीज़ इनके साथ हो सकती है, कुछ चलाकियाँ हो सकती हैं फ्यूचर में दिखा रहा है, इनका पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा और हो सकता है कि इनको ये देख ना पाए कि इनका पीठ पीछे इनका पैसा कहाँ चला गया, वेयर द मनी इज गोइंग फ्रॉम द बैग ही विल नॉट बी एबल टू नो। तो उस पर थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए, बाकी किसी ट्रिकिश या मैजिकल चीज़ों से इनको बचना चाहिए क्योंकि कोई जना इनके साथ जो है वो चलाकी खेल सकता है। मैं इसमें और जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि विराट कोहली जी का आगे का फ्यूचर कैसा दिखा रहा है, टेस्ट सीरीज या मैच, इनके जो करियर अगर मैं देखना चाहूँ, केवल एक करियर का एक मैं प्रश्न रख रही हूँ, इनका क्या शो कर रहा है करियर लाइन में केवल मैं जानना चाहूँगी। पर्सनल तो इनकी वाइफ का बहुत सपोर्ट है नो डाउट, बट करियर वाइज इनका अपना जो स्टैंड आउट है उसमें मैं एक बार मैसेजेस देखना चाहूँगी। फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा इनके साथ, और इसमें ये यहाँ शो हो रहा है जो मैसेज है फ्यूचर में इनके साथ, एक हैप्पी मोमेंट्स का कार्ड आया हुआ है, इनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अभी तो समय बहुत अच्छा है और फ्यूचर में भी इनका थोड़ा सा समय आगे तक के लिए ठीक है, अच्छा है, कुछ हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ मिल सकती है इनको अपने लाइफ में। ये अपने लाइफ में अच्छे जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो एंजॉय करेंगे नो डाउट, ये अपनी दुनिया एक अलग जगह बसाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है एक नया मकान ले लें या अपने एक जैसा होता है ना कि व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक शांत जगह, अलग जगह जाके रहूं और वहां जाके अपना वर्कआउट करूं या वहां जाके अपनी फैमिली को मैनेज करूं देखूं।
ये प्लानिंग इनके चल सकती है और ये स्टार की तरह उभर के आएंगे विथ कॉन्फिडेंस, चीज़ों को विन करेंगे। एक्चुअली चीज़ों को विन करने के साथ साथ इनका विक्ट्री का भी दिखा रहा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये आगे जा करके क्या सेंचुरी मार पाएंगे, या इस तरीके से जो भी प्रश्न आपने पूछे हुए थे, ये कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि ही विल विन। इनको विन और विक्ट्री मिलेगी, इनको फ्यूचर में मिलेगी और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत इनका बढ़ा हुआ है। इनको अपने फादर से ब्लेसिंग्स हैं, स्पेशली फादर से यहाँ ब्लेसिंग्स दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इनका ये भी शो हो रहा है कि ये सब चीज़ें तो इनके साथ होंगी नो डाउट, लेकिन कुछ समय के बाद, मुझे नहीं मालूम कौन से साल में, लेकिन कुछ समय के बाद या कौन से समय में, कौन से महीने में, इनका यहाँ पे सब चीज़ें क्लोज्ड हो से दिख रहा है। ये क्लोज कर देंगे सब कुछ और एंड हो जाएगा, और यहाँ पे हो सकता है कि क्रिकेट के फील्ड को ही जो छोड़ दें। और यहाँ पे फील्ड अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट का जो इनका इनका अपना प्रोफेशनल जो फील्ड है इनका, ये टेस्ट मैचेस और मैचेस खेलने का, इसमें हो सकता है इसमें थोड़ा सा ये सब कुछ स्टॉप हो जाए। और बर्निंग टावर का कार्ड है, दैट मीन्स कि सब चीज़ें जो है वो डैमेज हो जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। एक होता है नॉर्मल वे में सब कुछ स्टॉप हो जाना, मतलब व्यक्ति कहे कि हाँ मैं ठीक है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, या मैं जा रहा हूँ, या मैं ये फील्ड में इसमें कैप्टेंसी नहीं करूँगा शांति के साथ। लेकिन यहाँ बर्निंग टावर कार्ड आने का मतलब ये है कि सब चीज़ें नेगेटिव वे में मोल्ड हो जाएंगी, और इनको थोड़ा सा इसीलिए सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे कार्ड ठीक नहीं है फ्यूचर के लिए भी। पिछले उसमें वीडियोस में भी शायद यहाँ पे एक फ्यूचर मैंने देखा था कि इनका बर्निंग टावर कार्ड आया हुआ था। फ्यूचर में अगेन मैंने यहाँ स्पेशली क्वेश्चन पूछा था कि इनका आगे क्या दिखा रहा है, इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इनकी इमेज को कोई जना डाउन कर सकता है। जलनखोरी के मारे ये कार्ड ये भी कहता है कि इसमें जलसी का शिकार होते हुए कोई जना इनकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं और मैसेजेस देखना चाहूँगी कि इसके अलावा यहाँ पे बर्निंग टावर के बाद के क्या मैसेजेस हैं। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि विराट कोहली जी का आगे, इसके आगे का फ्यूचर क्या दिखा रहा है। बर्निंग टावर के आगे अगर मैं जानना चाहूँ, सब चीज़ें डैमेज होंगी, लोग परेशान करने की कोशिश करेंगे, जो भी जलनखोर लोग हैं स्पेशली जो उनके फैंस हैं वो तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ विरोधी पार्टी वाले भी हैं इनके। साफ नज़र आ रहा है कार्ड से कि इनका कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश की जा सकती है विराट कोहली जी का। तो आगे इसके आगे फ्यूचर क्या वो दोबारा से स्टैंड आउट हो पाएंगे, क्या इन सब चीज़ों से पार हो पाएंगे? इनको मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोबारा अगर पार करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट ये उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिखा भी रहा है अगेन, इनको यहाँ पे अपने फादर की ब्लेसिंग से इनके यहाँ दिखा रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इनके में सन का कार्ड दोबारा आया है, दैट मीन्स कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। आप एक व्यक्ति होता है कि इसके ऊपर जो है ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं अपने फादर के, लेकिन इनकी दिखा रहा है फादर की ब्लेसिंग्स हैं, ये कॉन्फिडेंट रहेंगे। और इन सब चीज़ों से ये, क्योंकि कुंडली में जहाँ पे भी सूर्य बैठा हुआ है ना, वो सूर्य एक्चुअली इनको जो है ओवरकम करवाएगा। जो ग्रह जो प्ले करेंगे अपना गेम, वो यहाँ पे इनकी अपनी खुद की कुंडली में, उसकी वजह से ये उस चीज़ से ओवरकम करेंगे नो डाउट। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी और ये जानते हैं ये बात, ये खुद भी ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ जानते हैं। कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी काम कर रही होगी कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ है कि ऐसा होगा मेरे साथ फ्यूचर में, इनको अंदाज़ हो जाएगा। अगर अभी नहीं है तो आज या कल में या अगले महीने में कभी ना कभी इनको हो जाएगी, चीज़ समझ में आ जाएगी इनको कि मेरे साथ ये सब चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। और इनको किसी के अगर पास अगर ये हेल्प और सपोर्ट के लिए जाते हैं तो बहुत कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला जना इनको हेल्प और सपोर्ट करे ही इनके मुसीबत में। इनको चाहिए कि अपने बलबूते पे ये काम करें, क्योंकि अगले जने से हेल्प मिलती उन्हें दिख रही है, हालांकि बहुत गिड़गड़ाएंगे, बहुत कहेंगे, तब जाके कोई जना इनको हेल्प कर पाएगा। मुझे नहीं मालूम कौन है इनके लाइफ में जो कोई भी सपोर्ट करने वाला, इनको लग रहा होगा कि ये सपोर्ट कर सकता है मुझको, अदरवाइज उससे भी मिन्नत करते रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा वो हेल्प नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि
निकल तो आएंगे नो डाउट, क्योंकि यहाँ कार्ड ये भी दिखा रहा है कि व्यक्ति निकलेगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि व्यक्ति निकल तो जाएगा, वो जो इनका दिखा रहा है क्वालिटी उस यहाँ पे कि बहुत ही स्मूथली बस फिनिश कर देंगे सारे प्रॉब्लम्स को, वो निकल तो आएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है इंजल्स का मैसेज है, लेकिन फिर से कोई जना इनको परेशान करने की कोशिश करेगा, फिर से अपने रास्ते से हटाना, इस बार तो बिल्कुल ही एकदम लगेगा जैसे कि इनको इतना परेशान करो कि बस व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाए और वहां से निकल जाए, मतलब करियर छोड़ के चला जाए या फिर से कैप्टेंसी छोड़ दे, ये सब चीज़ें फिर से दोबारा से मैसेज आ रहा है, तो इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अगेन मैं कह रही हूँ, कोई जना इनको परेशान करने की कोशिश करेगा और इनका विवाद हो सकता है किसी सीनियर उससे, अगर मैं कहूँ तो ये कोई भी हो सकता है इनके कोई सीनियर, इनका कोई जना जो क्रिकेट में हो या इनके कोई कोच हो, कोई भी इनका सीनियर कोई जना मेल है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ उनसे थोड़ा सा विवाद हो सकता है, ये कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, तो इस तरीके से ये इनको ये कार्ड ठीक नहीं है, हैंगमैन का कार्ड है, दैट मीन्स कोई जना इनको अपने रास्ते से हटाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा और चाहेगा कि ये फील्ड छोड़ दे और इसी तरीके से बस मैं विन कर लूँ, जो इनका विरोधी जो इनका होगा। यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, बहुत स्मूथ नहीं दिखा रहा है इनकी, लेकिन फिर भी इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं इसमें और मैसेजेस देखूँ अगर फ्यूचर के लिए, तो नो डाउट कि अगेन वो इस चीज़ से निकलेंगे। बड़े अप डाउन्स हैं इनके लाइफ में, अगर मैं विराट कोहली जी की बात करूँ तो या तो एकदम चरम सीमा पे ऊंचे पे पहुंचते हैं और गिरते हैं तो बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, ये चीज़ बराबर रीडिंग्स में आ रहा है। मैं ये थर्ड टू फोर्थ रीडिंग कर रही हूँ, इसमें भी अगेन ये दिखा रहा है कि व्यक्ति यंग एज में बहुत जो है वो उसने बहुत प्रोग्रेस गेन करी, सक्सेस हुआ है उसको, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ यंग एज में, और उसको एक लेडी से भी सपोर्ट रहा, यहाँ पे यहाँ भी दिखा रहा है कि वो लेडी भी बहुत स्टेटस वाली है, बहुत अच्छी उस पे मुकाम पे पहुंची हुई लेडी है, उससे बहुत सपोर्ट इनको मिला, और ये चीज़ें विन करते हुए नजर आएंगे फ्यूचर के लिए। अगर मैं बात करूँ तो अगेन इनको लेडी से भी सपोर्ट, बार बार लेडी का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स कि इनकी जो वाइफ है इनको बहुत अच्छे से इनको चाहती हैं, दोनों जने का यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा है हस्बैंड वाइफ का, अगेन ये चीज़ों को विन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर इनके यहाँ पे दिखा रहा है कि इंजरी हो सकती है, हेल्थ पे आ सकती है, टेंशन हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ, तो अब उसकी वजह से इनके सक्सेस में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, रुकावटें आ जाएंगी उसकी वजह से इनके सक्सेस में, और इनको लव और फेम जो भी जनता से मिला हुआ है एक्चुअली इनको मिलेगा तो, लेकिन उसमें फिर से रुकावटें आएंगी, मतलब एक पब्लिक से जो लव और अफेक्शन मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी जो है कोई जना चाहेगा कि ये चीज़ कम हो जाए, इनको ना मिले, लेकिन फिर भी ये जीतेंगे, फिर भी यहाँ पे व्यक्ति जो है जो भी इन्होंने यहाँ दिखा रहा है कि व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से जो भी उसने प्रीवियस किया हुआ है, जो भी गेन किया है उस व्यक्ति ने, वो फिर से फेमस जो है वो होगा, और उसी की वजह से जो पिछला उसकी परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से वो फेमस होगा, क्योंकि आगे जाके इनके ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है, उतना गेन नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, लेकिन प्रीवियस इन्होंने जितना भी गेन किया होगा, यही तो समय है, यही तो समय है कि जो ये गेन कर रहे हैं वही आगे जाके इनकी लाइफ में एक्चुअली रिफ्लेक्ट करेगा, जो फैंस को याद दिलाएगा कि हाँ वो विराट कोहली ने ऐसे ऐसे काम किए थे, ये यहाँ दिखा रहा है कि इस यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो जो गेन किया है अपने लाइफ में वो आगे जाके रिफ्लेक्ट करेगा, हालांकि ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं फ्यूचर में इनके दिखा रहा है, थोड़ा सा बहुत स्मूथली नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, और आई थिंक लेकिन उनकी वाइफ से पूरा सपोर्ट है, ये एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आ रही है, उसी की वजह से ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस इनका फादर का भी यहाँ आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दिखा रहा है, और सूर्य इनका अच्छी जगह पे है, कोई जना जानबूझ के इनको परेशान करने की कोशिश करेगा और बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है, ये हमें आपको बता दूं, ये इनको अभी शायद मालूम होगा क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड आया था उसमें, ये खुद भी बहुत समझदार है, इंट्यूशन इनकी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक मैसेज फ्रॉम द एंजल्स इज वेरी क्लियर, जो कोई भी फैंस थे जानना चाह रहे थे विराट कोहली का फ्यूचर यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, विन करेंगे, विक्ट्री इनके मिलेगी, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि एकदम से ऊपर उठना और व्यक्ति एकदम से नीचे हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर से उठेंगे, फिर गिरेंगे, इस तरीके से इनका अप एंड डाउन्स बहुत है इनकी लाइफ में,
तो बाकी आपके सामने है मैसेजेस। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।